इसे खाने से प्यार बढ़ता है। काजू है बेंगलोरी, लोग इसलिए आते हैं यहाँ पे। नामी है मिठाई पुल पीली कोठी, सही है। ये है हमारा अंजीर, इसे खाओगे तो बन जाएगा तुम्हारा जंजीर। नमस्कार, मैं हूं अचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के सदर बाजार के पास मौजूद मिठाईपुर इलाके में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां पर क्यों आई हूं। यहां पर ना तो आज कोई क्राइम हुआ है और ना ही कोई चोरी हुई है। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आई हूँ मिठाईपुर की ड्राई फ्रूट्स मार्केट में। अब ये मार्केट जो है वो ड्राई फ्रूट्स के लिए बेहद ही फेमस है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ कई मसाले भी मिलते हैं। तो आइए यहाँ के तमाम जो है दुकानदारों से जुड़ते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर फेमस है और कितने दामों में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम सूरज है। आप कितने टाइम से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं? 5 साल से। तो ये क्या मार्केट जो है ड्राई फ्रूट्स के लिए फेमस है? यहाँ पे लोग आते हैं ड्राई फ्रूट्स खरीदने? हाँ जी। तो ये जो मार्केट है ये मतलब ज्यादा लोगों को पता है इसके बारे में? हाँ, पता है बहुत लोगों। मैं आपसे पूछ सकती हूँ, ये बादाम जो है ये कौन से बादाम है? ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कितने किलो के होते हैं, कितने ग्राम? 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो। और ये वाले? वो खास्ता है। ये कितने के? वो 430 रुपये, वो भी एक ही है। काजू, ये काजू कितने के? काजू 700 रुपये किलो। ये वाले अलग है ना काजू? अलग। ये कितने के पड़े? 600 रुपये। किशमिश? 240 रुपये। तो यहाँ के जो रेट है वो क्या आम मार्केट से थोड़े सस्ते में पड़ते हैं? यही पड़ते हैं, थोड़े बहुत सस्ते पड़ते हैं। कितना फर्क आ जाता है? कितना क्या, 50-60 रुपये फर्क आते हैं। जैसे कि खारी बावली है, वो भी जो है ड्राई फ्रूट्स के लिए काफ़ी फेमस है, वहाँ में और यहाँ में क्या अलग है? खारी बावली से तो लाते हैं। खारी बावली से लाते हैं, तो खारी बावली से यहाँ पे महंगा मिलता है? महंगा कहाँ, सस्ता महंगा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो महंगा ही मिलेगा, हम लोग खारी बावली से लाके बेचते हैं। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे तमाम ड्राई फ्रूट्स के रेट जानने की कोशिश करी। हमें पता चला कि बादाम कितने रुपए किलो है और काजू कितने रुपए किलो है। अब यहाँ पर हम खुद भी खरीदने यहाँ पर आए हैं और इनसे भी हम कोशिश करते हैं बात करने की जो है और प्राइस जानने की कोशिश करते हैं। जी भैया, आपका नाम? सूरज गुप्ता। अच्छा, तो अगर हमें बादाम लेने तो आप कितने रुपए किलो दोगे? वो इंडिपेंडेंट ये अमेरिकन है जी, ये खारी बावली मिलेगा तुम्हारे को 700 रुपये, यहाँ मिलेगा तुम्हारे को 550 रुपये किलो। ये बाजार 500 रुपये आप किलो दे? बाजार से लिए सस्ता मिलता है, वहाँ दुकान के किराया देना पड़ता है 70,000, यहाँ किराया नहीं देना पड़ता है जी। लोग इसलिए आते हैं यहाँ पे, नामी है मिठाई पुल पीली कोठी, सही है। ये है हमारा अंजीर, इसे खाओगे तो बन जाएगा तुम्हारा जंजीर, सही है। ये अंजीर है, सही है, इसे खाने से प्यार बढ़ता है। काजू है बेंगलोरी, 240 नंबर काजू है ये, सही है। ये देख रहे हो तुम्हारा, ये पिस्ता कटिंग है ये। कटिंग क्या होता है? ये पिस्ता होता है, बच्चा वगैरह होता है ना, लड्डू बनता है ना जो, इसे खाने से क्या होता है तुम्हारा, 1 साल तक डॉक्टर नहीं जाओगी, देसी दवाई होता है ये, 1 साल तक खिला दो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हो तुम्हारा अखरोट गिर रहा है, जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ वहाँ सही होगा। ये तुम्हारा कमर कैसा है भैया? तुम्हारे कमर में दर्द होता है तो लेके जाओ, सही चीज़ है भैया। ये एक कमर कैसे जी, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होता है, कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, उसके लिए होता है ये। इसे कैसे खाया जाए? इसे घी में होता है, देसी घी है घर में, जब भी करना देसी घी करना, डब्बे में मतलब डब्बे में मिक्स होता है हमेशा, जब भी लेना देसी घी। दाम क्या रहेंगे इसका? 360 रुपये का 100 ग्राम है। 100 ग्राम, ये काफी महंगा नहीं है? 30 रुपये किलो है, महंगा ही है हर चीज महंगी। तो आप हमें कितने में देंगे अगर हम खरीदे तो, ये पैसे कम करके? बाजार के रेट है तुम्हारा 6,000 रुपये किलो, अगर यहाँ 3,000 मिले तो क्या दिक्कत है? 3,000 रुपये किलो। हाँ जी, बाजार में जाओ 6,000 रुपये किलो, कमर कैसे ही है यहाँ पे 3,000 का में मुनाफा है। ये तुम्हारा देख लो केसर का फूल है, ये प्योर जावित्री है, केसर का फूल होता है ये, तुम्हारा पड़ेगा 2,400 रुपये किलो। बाजार का इसका रेट है 6,000 रुपये किलो पड़ेगा तुम्हारे, कहीं भी चले जाओ तुम्हारे 100 ग्राम का मिलेगा 600 रुपये। पिस्ता कटिंग कितने रुपए किलो? ये तुम्हारा कटिंग मिलेगा किशोरी पिस्ता है तुम्हारे 1,200 रुपये किलो मिलेगा, 1,200 रुपये किलो जी। अखरोट? अखरोट ये पड़ेगा तुम्हें 500 रुपये किलो। अखरोट गिरी? अखरोट गिरी साबुत लोगे, साबुत लिया तो कागजी है 400 रुपये किलो है जी, प्योर कागजी मिलेगा, एक हाथ में लोगे टूट जाएगा आराम से। ये छुआड़े देख लो, ये कश्मीर का छुआड़े है जी, ये जितना दूध में गिरे उतना फायदा करेगा ये। दूध देख सकते हैं कि दो तरह के छुआड़े हैं, तो ऐसा है दूध में डालोगे इतना मोटे हो जाएंगे छुआड़े, दूध में खाओ दो छुआड़े खाते बस, सही है। भैया ये वहाँ पे दो छुआड़े रखे हैं तो आप वो बताइए कितना कितना देंगे? पीला छुआड़ा और इस वाले छुआड़े में क्या डिफरेंस है? इसमें ये होता है ज्यादा मीठा है, केमिकल से धुला जाता है ये मीठा ज्यादा होता है, ये वैसे दूध में है वैसे ऐसे खाते हैं नॉर्मली, सही है। बेहतर तो काला ही होता है जी, काला छुआड़ा बेहतर होता है। पीले वाले छुआड़े का क्या रेट पड़ेगा? पीला छुआड़ा 120 रुपये, काला छुआड़ा 140 रुपये, 20 रुपये का ही दोनों में अंतर। 20 रुपये का फर्क है। मखाने मैम लिया 500 रुपये किलो है, आपको पड़ेगा 420 रुपये किलो। 420 रुपये किलो, उससे कम करेंगे आप? ये बिल्कुल मक्खन है जी, इससे उंगली रखते हैं ना निशान बढ़ जाता है वैसे ही है। 420 से कम करेंगे आप इसमें मखानों में? एक दे हम दुकान है, चीज बढ़िया मिले इम्पोर्टेंट, सही है। दादी पार्टी के सामान लोगे सारे मिलेगा। और भी क्या खास है आपके स्टॉल पे? सारे खास है, मैं भी खास हूँ, दुकान भी खास है, सब चीज खास है। अच्छा, वो जो वो हमें ब्राउन ब्राउन से वो दिख रहा है क्या है? ये नहीं, वो वहाँ पे आगे, इससे आगे वो पीपल है, वो क्या होता है?
ये मसाले वसाले में डलते हैं, किसी को ज्यादा खांसी होता है ना इससे, बहुत टाइम से खांसी है, ये दवाई बनता है उसके लिए। ये देख लो चिरौंजी है, हमारा घी खा लो 5 किलो खा लो 250 रुपया मुकाबला कर लेगा, चीज ऐसा है, चीज बहुत बढ़िया है। ये देख लो इसमें क्या ऑयल होता है इसमें ज्यादा, ये देखो ऑयल तुम्हारा निकालता हूँ अभी, ये देखो ये सारा ऑयल है ना, ये देखो इसमें ऑयल होता है बहुत ज्यादा, ये तुम्हारा बहुत फायदा करेगा। अब ये बताओ 1 किलो आपको दूं, अब तो लेना ही पड़ेगा, देख लो। देखिए अभी हम मिठाईपुर मार्केट में, और हम आपको बता दें मार्केट जो है सदर बाजार के काफी ज्यादा पास है, पीली कोठी से आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही आपको ज्यादा पास पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि हम इस वक्त जो है यहाँ पर हर जगह जो है ड्राई फ्रूट्स के, मेवों के, जो है चावल दालें इन सब चीज़ों के जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं, पूरी मार्केट जो है ये इसी चीज़ की है। और हम आपको बता दें यहाँ पे जो है काफ़ी सस्ते रेट में सब सामान आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। अंकल ये गोले कितने के? गोला तौल के बिकता है 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो कम करेंगे आप कुछ? ये मखाने? मखाना है 550 रुपये। गिरी? अखरोट गिरी? मूंगफली 160 रुपये की। तो देखिए मिठाईपुर मार्केट में आए जहाँ पर आपको बहुत आसानी से जो है सस्ते दामों में ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, घर के सामान के चावल दालें मसाले ये सब सामान यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगा। हमने भी यहाँ पे तमाम व्यापारियों से बात करने की कोशिश करी और उन्होंने हमें कई ड्राई फ्रूट्स के दाम बताए जो कि काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती थे। अगर हम मेन मार्केट में जाएंगे तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रेट है इसके, तो आप भी अगर आपको ड्राई फ्रूट्स खरीदने हो अपने घर के लिए तो आप इस मार्केट में आसानी से आ सकते हैं और यहाँ से जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। हम आपको बता दें मार्केट जो है सदर बाज़ार के काफ़ी नज़दीक है, तो आपको वहाँ से आसानी से रिक्शा मिल जाएगा इस मार्केट के लिए और आप यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप भी हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।